Good morning, students. I hope you all must be keeping safe at home. So let's start with today's class. As I have already sent you a PDF file for formal and informal letters. आपको मैंने पहले भी एक PDF file भेजा है जिसमें कि formal and informal letters के बारे में मैंने description दिया हुआ है आपको. तो आज हम जानेंगे कि फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. तो पहले हम जानेंगे डेफिनेशन फॉर फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि हम लेटर्स क्यों लिखते हैं, लेटर क्यों लिखा जाता है. लेटर्स हम लिखते हैं बेसिकली ताकि हम लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनका हाल चाल जान सकें, या उनके पास हम कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें या उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकें. ठीक है. लेटर इज अ रिटन कम्युनिकेशन डन फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पर्पसेस. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम लेटर लिखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पर्पस के लिए. फॉर्मल होता है जब हम फॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं किसको, स्कूल प्रिंसिपल्स, क्लास टीचर्स, न्यूज़पेपर एडिटर्स, इन सबको लिखते हैं. ठीक है. और इनफॉर्मल लेटर्स किसको लिखा जाता है, जो हमारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, अंकल आंटी, जिनको आप चाचा एंड चाची बोलते हैं, हम उनको लिखते हैं. तो आई होप फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा आपको कि फॉर्मल लेटर्स हम लिखते हैं स्कूल प्रिंसिपल्स को, क्लास टीचर्स को, न्यूज़पेपर एडिटर्स को, और इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं जिसको हम कहते हैं पर्सनल लेटर, जो कि हम पर्सनल लोगों को, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स हो गए, मम्मी पापा, दीदी भैया, दादा दादी, या हमारे कोई भी रिश्तेदार, हमारे कोई भी दोस्त, उसको लिखते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. ठीक है. आज जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर. तो पहला पॉइंट है ऑलवेज फॉलो द लेटर फॉर्मेट. जो भी लेटर का फॉर्मेट होगा उसको हमेशा हम फॉलो करेंगे. ठीक है. लीव अ लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स. जब भी हम लेटर लिखते हैं, हमारा एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है तो उसके बाद जब हम सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करने जाते हैं तो उसके बीच में एक लाइन हमें छोड़नी चाहिए, ताकि हम जो हमारा पैराग्राफ चेंज होगा तो हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि ये पहला पैराग्राफ खत्म हो गया और ये नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है. थर्ड, द इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट मस्ट क्लियरली स्टेट द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर. यहाँ बॉडी पार्ट जो है हमारी बॉडी से रिलेटेड नहीं है. मीन्स जो हम मेन कंटेंट लिख रहे हैं लेटर का, जिस चीज के बारे में हम लेटर लिखने जा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बॉडी. ठीक है. तो जो भी मेन रीजन है लेटर राइटिंग का, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जब हम लेटर लिख रहे होते हैं. फोर्थ पॉइंट है यूज सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज. हमेशा लेटर लिखते समय हम सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हैं और डायरेक्ट लैंग्वेज, मतलब जो हमें एग्जैक्टली जो बात कहनी है वो चीज हम लिखते हैं. पांचवा पॉइंट है ट्राई टू बी कंप्लीट. मतलब जो आप लेटर लिख रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी पूरी बात उसमें मेंशन करेंगे, पूरी बात लिखेंगे. एंड लास्ट पॉइंट है प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स एंड करेक्ट स्पेलिंग शुड बी यूज्ड. प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क होता है कि जब हम सेंटेंस अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा पहला जो सेंटेंस का वर्ड है, अल्फाबेट है, वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए. ठीक है. और जो भी स्पेलिंग्स हम लिख रहे हैं उसका ध्यान रखना है कि हम सही स्पेलिंग्स लिख रहे हैं. ठीक है. एंड प्रॉपर एंडिंग करनी है आपने. आप जो भी चीज लिख रहे हैं, जब भी आप एंड करते हैं तो हमेशा फुल स्टॉप के साथ अपना सेंटेंस या पैराग्राफ ओवर करना चाहिए. ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना है जब आप एक लेटर लिखते हैं.